और पहले बताता हूँ मैं, वाटर एंट्री होती छह प्रकार की, जिसमें नंबर एक है स्लाइडिंग, और नंबर दो स्टेपिंग, नंबर तीन सेलो डाइव, नंबर फोर डीप डाइव, और नंबर फाइव स्ट्राइडिंग, ठीक है, और लास्ट कंपेयर जंप, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइडिंग की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जहाँ पर पानी गंदा हो, गहराई का पता नहीं चल रहा हो, ठीक है, वो इसलिए करते हैं। हो सकता है वहाँ पर नीचे कोई पत्थर इस प्रकार हो कि हमारे पैरों में लग सकता है, लोहा लकड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और हमें वहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि जैसे यहाँ पर साफ है पानी, यहाँ पर हम दूसरी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम स्लाइडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर गंदा होगा पानी, वहाँ पर हमें स्लाइडिंग करना है, अपने आप को मतलब बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए नीचे जाना, एकदम नीचे नहीं जाना, ठीक है, वहाँ पर जरूरत पड़ती है किसकी, स्लाइडिंग की, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में बैठा देना, ये नहीं कि आप कहीं भी कूद गए, ठीक है, हमें कई प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करना पड़ सकता है। और नंबर दो है स्टेपिंग, स्टेपिंग जैसे यहाँ पर है, यहाँ पानी साफ है, गहराई का अंदाज़ा लग रहा है, तो यहाँ पर आप स्टेपिंग में जा सकते हैं, ठीक है। स्टेपिंग में क्या है, एक पाँव आपका आगे होगा, ठीक है, और सीधा नीचे जंप कर जाएंगे, ठीक है। और नंबर थर्ड है आपका सेलो डाइव, सेलो डाइव की जरूरत कब पड़ती है, आपके सामने कोई विक्टिम डूब रहा है, ठीक है, आपने तुरंत जाना है, उसने क्या सेलो डाइव, जैसे आप डाइव किया बॉडी का हेलो बनाते हुए, ठीक है, तुरंत ऊपर आ जाना है, ये सेलो डाइव किया। उसके बाद आता है डीप डाइव, डीप डाइव हो गया कि कोई भी टीम या कोई वस्तु आपको मतलब वो काफ़ी नीचे चला गया है और आपको निकाल ले उसको, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, तो आप डीप डाइव के ही सपोर्ट से नीचे जा सकते हैं, ठीक है। डीप डाइव पोजिशन अभी आप ध्यान दें कैसी पोजिशन बनाते हैं, ठीक है, कैसी हाथ की पोजिशन होगी, मीन्स हाथ और आपके हैंड के सपोर्ट से आप नीचे जाएंगे, पाँव आपका स्ट्रेट रहेगा, बॉडी पूरी स्ट्रेट रहेगी और सीधा नीचे जाएंगे जमीन को छूते हुए, जो भी चीज नीचे होगी आप ऊपर ले आ सकते हैं, चलो, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग कोई भी टीम डूब रहा है, ठीक है, आप काफ़ी दूर हैं, हो सकता है कि आप जब तक आप वहाँ पहुँचते हो तब तक डूब जाएगा पानी, हो सकता है वहाँ गंदा हो, ठीक है, अब आपको दिक्कत होगी सर्च करने में, इसमें क्या स्ट्राइडिंग, आप दौड़ के आना है और आपका मतलब कॉन्टेक्ट ना टूटे किससे, विक्टिम से, इसमें क्या होगा, एक घुटना ऊपर होगा, आपने दौड़ते हुए जाना है, आपने आगे निगाह है वो उसी पर ही रहेगी, किस पर, विक्टिम पर रहेगी, पड़ी, ठीक है, और उसको पकड़ लेना, वहाँ पर स्ट्राइडिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको दौड़ के आप इसको हम हिंदी में हनुमान जंप भी बोल सकते हैं, चाल इस प्रकार होगी, ठीक है, दौड़ के आना है और जंप कर जाना। इसके बाद लास्ट है कंपेयर जंप, कंपेयर जंप जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आदमी बहुत गलती करता है, सभी के लिए है, अब पानी में से जो लोग सीखता भी है वो भी बहुत सारी गलती करते हैं, ऊपर से कूदते हैं चोट खा जाते हैं, कारण क्या है, जब हम ऊपर से कूद रहे होते हैं हम नाक को बंद नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा हार्ट वाइटल ऑर्गन सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसको हम वो सपोर्ट नहीं करते, इसको थोड़ा कवर करना है, ठीक है, आपका राइट हैंड है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, हाथ के ऊपर होगा, नाक को बंद रखना है और सीधा नीचे डाइव कर जाना है, कंप्लीट जंप। अब कंप्लीट जंप की जरूरत कब पड़ती है, कोई भी टीम डूब गया, ठीक है, और वहाँ पर चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं है, ठीक है, चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं है, आप पुल के ऊपर हो और नीचे नदी है या कोई झील है, जो भी है, अब काफ़ी हाइट में कहीं से रास्ता नहीं है और आपको जल्दी वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है कंपेयर जंप की। ध्यान ये रहे कि कंपेयर जंप जब आप कर रहे होते हैं तो कम से कम 10 से 15 फीट के बीच में पानी हो, ठीक है, कंपेयर जंप कहाँ पर करते हैं, ज़्यादातर 15-20 फीट ऊंचाई में, ऊंचाई से नीचे कूदना पड़ सकता हो, ठीक है, अभी कंपेयर जंप सबसे पहले डेमो देखेंगे आप स्लाइडिंग का, स्लाइडिंग कैसे करता है,
आस ये दो ये क्या था सेलो डाइव यू ये जंप किए और पूरा हेलो बनाते हो थोड़ा ठीक है नेक्स्ट बताते हैं आपको स्ट्राइडिंग हाँ नेक्स्ट डीप डाइव के लिए क्वेश्चन तैयार डीप डाइव का डीप डाइव देखना है तो ठीक है।